डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे रैंक कॉरिलेशन, कोटी सह संबंध, स्पीयरमैन का रैंक कॉरिलेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल्स एक्स और वाई को हम रैंक देते हैं और रैंक देने के बाद में उनका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस का हम स्क्वायर करते हैं, उसका वर्ग ज्ञात करते हैं, उसके बाद में हम उसका आंसर निकाल लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच में किस तरह का सहसंबंध है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि हमारी फ्रिक्वेंसी रिपीट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम कैसे रैंक देंगे, कैसे हम उन्हें कोटी देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए, पहले संबंध वही का वही रहेगा, जैसे हम पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या को रैंक दे रहे थे, इसी तरह हम भी देंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे जिस नंबर पे जो संख्या आएगी उस संख्या को जोड़कर और उसका औसत निकाल दिया जाएगा। ये जैसे मैं अभी आपको करके बताती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी संख्या है 87, 87 को मैं नंबर वन रैंक दे रही हूँ। उसके बाद में 87 से बड़ी संख्या कौन सी है, 98। अब देखिए यहाँ पे 98 रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2 एंड 3। और कौन से नंबर पे रिपीट हो रहा है, 1 नंबर तो हमने 87 को लगा दिया, लेकिन अब इसको आएगा 2, 3 और 4, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, और कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। जितनी बार रिपीट होगा उतनी संख्या का हम भाग उसमें दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, 4, 3, 7, 7 और 2, 9, 9 में भाग दिया 3 का, इज इक्वल टू 3, तो ये 3 3 यहाँ पे हम लिख देंगे, 3 3 और ये 3, इस तरह से हम इनको क्रम देंगे। अब देखिए, इसके बाद में 98 के बाद में बड़ी संख्या कौन सी है, 100, 100 को देंगे हम रैंक नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 दे चुके 3 दे चुके और 4 नंबर भी हम दे चुके हैं, तो उसके बाद में आता है 5 नंबर। फिर देखिए, 100 से बड़ी संख्या कौन सी है, 109, 109 को दे देंगे हम 6, 109 के बाद में और कौन सी बड़ी संख्या है, 109 से 112, 7, 115, 8, 115 के बाद पे 120, 118, 9 और 120 को दे देंगे हम 10। आगे आपको समझ में, वापस समझा रही हूं मैं। यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी संख्या 87, 87 को दिया हमने नंबर 1, उसके 87 के बाद में, उसके बाद में कौन सी बड़ी संख्या है, 98, तो 98 यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार रिपीट होने पे 1, 2 एंड 3, तो कौन सा नंबर आ रहा है, 1 के बाद में 2, 3 और 4, तो 2, 3, 4 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ तो 3 का भाग देंगे, 4 बार रिपीट होगा तो 4 का भाग देंगे, और यदि कोई संख्या 5 बार रिपीट होती है तो 5 का भाग देंगे, और उसका क्रम वही रहेगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके जितनी बार रिपीट हो रही है संख्या उसमें उतने के ही भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 और 2 5, 4 9, 9 बटा 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 हमारा इसका रैंक हो जाएगा। आइए समझ में, अब लेते हैं अपन नेक्स्ट वाई का रैंक। वाई में देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 65, 65 को देंगे हम नंबर 1, उसके बाद में 68 नंबर 2, 68 के बाद में उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 70 नंबर 3, 70 के बाद में 73। अब देखिए, 73 दो बार रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो इसका नंबर कौन सा आ रहा है, 3 के बाद नंबर आएगा 4 और 5, 4 प्लस 5, और कितनी बार रिपीट हुई है संख्या, 2 बार रिपीट हुई है, तो ये हो गया 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.5, तो ये 4.5 इसका रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 73 के आगे लिख देंगे 4.5, और यहाँ पे भी 75 के आगे लिख देंगे, 73 के आगे लिख देंगे 4.5। अब देखिए, 4 और 5 संख्या आ चुकी है हमारी, अब यहाँ पे इससे बड़ी संख्या आ जाएगी 76, 76 को दे देंगे हम नंबर 6, 76, 7,
तो 76 से बड़ी संख्या एटी, एटी के बाद 82 9 बड़ी संख्या और ये आ गए हमारे 10, 85 बड़ी संख्या 10। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को रैंक दे देंगे। अब आगे का क्या हमारा वोकैबुलरी रहेगा, डिफरेंस जो निकालना है रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई और उसको हमें स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 8 में से 6 गए तो 2, 6 में से 4.5 गए तो 0.5, 1.5, 7 में से 10 गया तो माइनस के 3, 1 में से 3 गए माइनस 2, 3 में से 7 गए माइनस 4, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 9 गए तो 1, 5 में से 4.5 गए तो 0.5, 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1। आप ये ध्यान रखिएगा माइनस और प्लस के निशानों का कि जहाँ माइनस है वहाँ पे माइनस लगाएं और जहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं और या फिर छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनका स्क्वायर कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.25, 2.25, 3 को 3 से किया 9, 2 को 2 से किया 4, 4 को 4 से किया 16, फिर 4, 1, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 0.25, ये 1 और ये 1। अब हम इसकी टोटल लगा लेंगे, टोटल आएगी 0.50 और इसके बाद में 4, 2, 6, 9, 6, 15, 15, 10, 25, 25 और 5, 30, 31, 32 का 2, 3, 3 और 1, 4, 42.50। आगे समझ में, इस तरह से हम लोग इनको करते चले जाएंगे। अब देखिए, अब हम दोनों के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है कि किस तरह का दोनों x और y के बीच में रिलेशन है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यूब माइनस m प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यूब माइनस m। अब ये हमारे इंफिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, जितनी बार संख्याएं हमारी रिपीट होती जाएगी हम लोग प्लस 1 अपॉन 12 करके इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर है 42.50 प्लस 1 अपॉन 12। अब देखिए x में कितनी बार संख्या रिपीट हुई थी हमारी, 3 बार रिपीट हुई थी, 98, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 12। y के अंतर्गत हमारी संख्या कितनी बार रिपीट हुई थी, 2 बार रिपीट हुई थी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, n हमारे 10 है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इज इक्वल टू 1 माइनस। अब देखिए 1 माइनस जो है ना, ये इसमें से 1 माइनस नहीं होगा, ये पूरा 1 माइनस आपके पूरे इसको सॉल्व करने के बाद में आपको 1 माइनस करना है, तभी आपका कॉरिलेशन का सही आंसर आएगा। तो 1 माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया 42.50 से, या सबसे पहले आप और इजी कर देती हूँ मैं आपके लिए, 42.50 प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यूब। अब 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 तिया 9, 9 ती 27, 3 क्यूब का मतलब हुआ 3 × 3 × 3, तो 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 माइनस 3। इसी तरह से हम आगे वाला करेंगे, प्लस 1 अपॉन 12 2 क्यूब, तो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 × 4, 4 × 8, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा,
अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 642.50 प्लस 1 अपॉन 12। अब 27 में से 3 गया तो 24 24 प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 8 में से 2 गए तो 6, तो 6 एकम 6, 6 दुनी 12, 12 एकम 12, 12 दुना 24, इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके बच जाएंगे 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 642.50 प्लस 2 प्लस 0.5 अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 6। अब 42.50 में आप इस तरह से जोड़िए 42.50 2.00.50 इज इक्वल टू 5 5 10 की 0, 4 2 2 2 4 और 1 5 और ये 4 इंटू 45 अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 5 30 की 0, 3 6 चौका 24 और 3 27 अपॉन 990। और इसको कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू 990 माइनस 270 अपॉन 990 इज इक्वल टू आंसर आएंगे आपके प्लस में इज इक्वल टू 0, 7 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7 अपॉन 990, 0 से काटा 0 इज इक्वल टू 0 पॉइंट प्लस का आएगा, 9 7 करें सर 73 के लगभग आएगा आंसर, प्लस 9 7 करें सर 73। तो यानी कि आपके एक्स और वाई के बीच में उच्च श्रेणी का रैंक कॉरिलेशन है, उच्च श्रेणी का सहसंबंध है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब एक ही सीरीज के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही होती है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, और यदि मान लीजिए दो बार रिपीट हो रही है तो अपॉन टू कर देंगे, तीन बार रिपीट हो रही है तो तीन बार जोड़ के उसको उस तरह से कर देंगे। अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कृपा करके मुझसे फ़ोन पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसे फिर वापस एक बार देख लेना और आपका ये फॉर्मूला जो है ये अब जितनी बार संख्या रिपीट होगी उतनी बार इसको प्लस 1/12 करके और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि यदि संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हो, फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही हो, तो उस समय हम किस तरह से फॉर्मूले को यूज में लेंगे और किस तरह से उसे सॉल्व करके हम उसका आंसर ज्ञात करेंगे। थैंक यू सो मच।